मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर प्रोड्यूशंस। आज के ये सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोग को सिखाया जाएगा कि कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोग को विद्यालयों पर अच्छे से समझाया जाएगा, तो बिना शिक्षक के बताए हुए कोई भी स्टेप आप मत भरिएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी गलती हो जाएगी। और जब आपका ओएमआर गलत हो जाएगा तो आपका ओएमआर चेकिंग नहीं की जाएगी, ये याद रखिएगा। और एक बात और ध्यान सुन लीजिए, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। यदि करना चाहते हो अच्छे नंबर की अर्निंग, यदि करना चाहते हो अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपने नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो चलिए डिसन स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयारियों के साथ साथ चीज़ों को जान लेना है कि आप लोगों को, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मैंने पहले तो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, ये देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ये सुझाव दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने जो आप लोगों को एमआर शीट प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, तो उसी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है आप लोगों के साथ। यूपीएमएसपी एडीयूएन पर उपलब्ध करा दिया गया था एडिशन। देखिए इसके बारे में अगर बात किया जाए, तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब तो पूरा पासिंग किया गया। देखिए दिव्यकांत शुक्ल जानते हैं कि सचिव हैं शिक्षा विभाग के। देखिए यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है एडिशन, ये चीज़ आप लोगों को, देखिए यहाँ से आप लोग को ओएमआर जो मिलेगा वो यहाँ से स्टार्टिंग है आप लोगों की ओएमआर की। एक गोले भरने का तरीका पहले यहाँ बताया गया, देखिए टिक मारा गया ये गलत है सही है, ये ऐसे रंगा गया, ये सब का सब, देखिए ये जो बताया गया है सही तरीका जो है इसमें का मतलब, ये जब ये पूरा का पूरा तरीका जो है गलत माना जाएगा। यानी आप अगर कट्टम कुट्टम कर देंगे, सही कर देंगे, आधा रंगेंगे, थोड़ा रंगेंगे, बिंदु रंगेंगे, तो ये आधा रंगेंगे, ये चेकिंग नहीं किया जाएगा। आप लोगों को स्पष्ट रूपों में करना, ऐसे ही रंगना है इसे, और इसे बनाने का, ओएमआर को लाने का मतलब यह है कि आप लोगों को कम्पिटेटिव लेवल पर ले जाने का। मतलब कंपटीशन में क्या होता है कि उसमें ओएमआर शीट पर ही क्या होता है, बहुविकल्पी ऐसे ही मिलते हैं आप लोग को, ऐसे ही गोला आप लोग को भरना होता है। तो वहाँ आप जो चीज़ सीखेंगे आप समझ लीजिए वही चीज़ 10 से सीख कर जा रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत बेहतर है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 क्या 95 क्या 100 पहुँचना अब तो और भी आसान हो गया, क्योंकि यहाँ तो 20 तो आपका बहुविकल्पी ही हो गया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर कि इसी तरीके से आप लोग को रंगना है। ये देखिए ब्लैक कलर में जो दिख रहा है आप लोगों को गोला, इसी प्रकार से आप लोग को गोला का रंगना होया है। और यहाँ पर देखिए जिला कोड जो है, देखिए आगरा जैसे यहाँ पर लिखा गया, केंद्र कोड के बारे में अनुक्रमांक आप लोग को ऐसे लिखना है, विषय का कोड या जो भी विषय रहेगा, जैसे हिंदी का देखिए हो गया तो यहाँ पर 901 प्रश्न पत्र क्रमांक देखिए लिखा रहेगा उस पर पेपर पर आप लोगों के। तो जो चीज़ें बताई जाएंगी उसी तरीके से करना है आप लोगों को, अपनी मनमानी तरीके से कुछ भी उसमें घरने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले आप लोग को विद्यालय से शिक्षक के द्वारा, तब तक कुछ भी मनमानी उसमें भरने का प्रयास मत कीजिएगा। इन सभी चीज़ों को आप लोग एकदम सावधानी से भरना है। अगर इसमें गलती होगी तो आप लोग का ओएमआर जो होगा वो चेक नहीं किया जाएगा, और 20 नंबर आप पहले ही मान लेके चलिए कि आपका 20 नंबर जो है पहले ही आप फॉल कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा तेज भरने की जरूरत नहीं है इसमें, दुर्दमखा भरने की जरूरत नहीं, उसको अच्छे से ध्यान से और सही तरीके से भरने का प्रयास करिएगा। जब शिक्षक 2 मिनट 1 मिनट बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद समय लेंगे आप लोग को ये पहले ही प्रोवाइड कराया जाएगा, तो बहुत से बड़े विद्यार्थी होते हैं जो गलत भरना प्रारंभ कर देते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करिएगा बिल्कुल भी। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही होगा उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। देखिए जो आप लोग गोला देखते हैं हमारे, देखिए 1 से लेकर 20 तक आप लोग जो भी सॉल्व करके रख लीजिए हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। कभी कभी गलती क्या हो जाता है कि आप पहले का देखिए बी प्रश्न का राइट आंसर रहा होगा, लेकिन आप जल्दीबाजी में जब रंगते हैं तो उसका सी वाला जो है आप उसको रंग देते हैं, तो वहाँ इसको जब कंप्लीट आप रंग देंगे तो ये गलती हो जाती है। तो उस प्रश्नों को आप लोग सही तरीके से करिएगा। ऐसे कभी क्या क्या होता है, कभी हम लोग के साथ खुद भी हुआ है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो कम्पिटेटिव लेवल पर जब एग्जाम दिया जाता है तो कभी कभी सही आंसर पता चला कि पढ़े कुछ और आंसर, लेकिन बाद में पता चला जो गोला हमको रंगना था रंगा गया कोई और, ये गलती भी आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। और 20 देखिए प्रश्नों का सीरीज वाइज आप लोग को दिया गया सामने, ऐसे भरना है आप लोग को। और प्रश्न पत्र मार्क जो सीरीज मिलेगी आप लोग को, उसका पहला अक्षर देखिए और दूसरा अक्षर यहाँ पर भर के उसको भी आप लोग को कलर करना है। देखिए इसमें पहला अक्षर भरना है आप लोगों को और इसमें दूसरा अक्षर, और जो भी इसमें रहेगा जो भी अक्षर रहेगा आप लोग का पहला अक्षर उसको आपको रंगना भी है पूरी तरीके से, ठीक है। जब इन सभी चीज़ों को आप लोग कर लेते हैं इसमें यहाँ पर, तो उस नंबर को भरने के बाद तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा परीक्षा के देखिए हस्ताक्षर हो जाएंगे आप लोगों के, और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का क्या हो जाएगा आप लोगों का क्या हस्ताक्षर हो जाएगा, और आलेखन का देखिए डिस्टेंस चित्रकला व्यवस्थापक का मोहर वगैरह हो गया आप लोगों का। जब यहाँ बढ़ते हैं देखिए तो ये चीज़ें हैं। हाईस्कूल परीक्षा के लिए देखा जाए तो परीक्षा कोड इसी प्रकार से आप लोगों को ये पूरा का पूरा देखिए ओएमआर मिलेगा। इस तरीके से आप लोग पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये चीज़ें भर के पूरा आप लोग को सबमिट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं, एकदम आराम से केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, और लास्ट में देख लीजिएगा कि आपने साइन किया हुआ है कि नहीं, और कक्ष निरीक्षक का भी हस्ताक्षर हुआ कि नहीं, और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर उस पर लगी है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से देख लीजिएगा, और पीछे देखिए ओएमआर को जो ये सुझाव दिया गया है उसे भी आप लोग निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद ही आप लोग इसको भरने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर आप भूल जाएंगे तो निश्चित तौर पर गलतियाँ निश्चित तौर पर होंगी।
तो जितनी सावधानी आप लोग को बताई गई है इतनी सावधानी आप लोग को हर हाल में करना है। अगर इसमें लापरवाही आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपने पेपर समझिए 20 नंबर तो आप निकाल दीजिएगा पहले से ही, तो 50 में ही अपने पूर्णांक को जोड़िएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो पृष्ठ संख्या सेकंड है, OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश जो दिया गया काले और नीले वाले पॉइंट पेन का, तो मतलब आप काले पेन से ही रंगेगा इसको, क्योंकि काले से जब चेकिंग होता है तो ये बहुत ही ईजी रहता है, सही रहता है, हमेशा इसी से रंगना भी चाहिए। और देखिए जैसे रंगना है पूरा का पूरा बताया गया, मैंने ऊपर भी बताया भी आप लोगों को, व्हाइटन का प्रयोग नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि पेंसिल पेन वगैरह लेके गए हैं तो उसी में लगे पूरा खुरच के फाड़ दिए उसको, पहली बार आप देने जा रहे हैं इसलिए पूरी सावधानी के साथ करिएगा। और जब तक आप लोग को निर्देश न मिले तब तक कुछ भी मनमानी करने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो DGS सचिवालय से जरूर लीजिएगा शिक्षा। उत्तर के लिए देखिए जो सही गोले का निशान है उसमें भरने के बाद देखिए ये पत्रक है, ये सभी जो बातें दी गई हैं इन सभी को करने के साथ फिर आप लोग क्या करेंगे, इन सभी कुछ चीज़ों की चेकिंग करने के बाद आप शिक्षक को जो है वो OMR शीट प्रोवाइड करा देंगे जब वो मांगेंगे तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए इन सभी गोलों को ध्यान से भरना, आप लोगों को जितने भी निर्देश यहाँ बताए गए हैं इन सभी को डिस्टेंस का पालन करते हुए आप लोग को अपना काम करना है। तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए OMR शीट भरने का तरीका सिखाया गया। और यदि किसी चीज़ों के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो DGS चैनल से जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950-690-227 नाम का, तो उस नंबर से खुद भी जुड़िए और दूसरों को भी जुड़िए। याद रखिएगा यदि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाना न कि गानों का रमिक्स बजाना, तो डिस्क्रिप्शन से एक काम आप लोग को जरूर करना है कि रेगुलर इस चैनल से भी 2 से 3 घंटे आप लोग की स्टडी जरूर करनी है और दूर तक फैलाइए इस चैनल का लिंक जिसका नाम है DJ सर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसमें से एक काम जरूर करना है, इसे शेयर जरूर कीजिएगा।